वाक्य okay. हमने स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हमने सीखा था कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो हमने ये देखा था कि अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जो व्यवस्थित शब्द समूह होते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। शब्द केवल शब्दों का समूह होना जरूरी नहीं है, इसके साथ में ही शब्दों के समूह को व्यवस्थित होना भी जरूरी है। अगर व्यवस्थित नहीं होंगे तो फिर वो हमारे वाक्य सही शुद्ध वाक्य नहीं कहलाएंगे। फिर हमने पढ़ा था वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग बताए थे, जिसमें मैंने फर्स्ट बताया था उद्देश्य और विधेय, जिसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया था यहाँ तक उद्देश्य? यस मैम। उद्देश्य के अंतर्गत बताया था कि वाक्य के जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जो कर्ता होता है, जिसके बारे में बातचीत चल रही होती है, वो हमारा होता है सब्जेक्ट, और जो बातचीत चल रही होती है वो हमारा विधेय यानी प्रेडिकेट होता है। ये हो गया था यहाँ तक। अब हमारा था सेकंड ये वाला, यही था ना वाक्यों का वर्गीकरण, ये भी हो गया था क्या? यस मैम, हो गया था। ये रचना के आधार पर हो गया। ओके, रचना के आधार पर। थोड़ा सा देख लेते हैं जो बच्चे ऐड नहीं थे। वाक्यों अर्थ के आधार पर चलेगा आज। ओके, वाक्यों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें फर्स्ट है रचना के आधार पर और दूसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर यानी वाक्य कैसे बने हैं, है ना, शब्द वाक्य किस तरह से बनते हैं। तो एक वाक्य तो होता है हमारा साधारण वाक्य, फिर होता है हमारा संयुक्त वाक्य, और थर्ड नंबर पे हमने सीखा था मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य के अंदर होता है सिंपल सेंटेंस, जहाँ दो या दो से अधिक जिन वाक्यों में कहा उद्देश्य और विधेय एक ही होता है, उसमें कुछ क्लियर मतलब सिंपल सी बात होती है, और उद्देश्य और विधेय भी एक ही होता है, वो हमारा साधन वाक्य के अंतर्गत आ गया था। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आया था कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, सेंटेंस से जुड़े, जैसे किंतु है, लेकिन है, और है, इन शब्दों से जुड़े होते हैं, वो हमारा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य में मैंने आपको बताया था कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, जैसे एक काम करने से पहले दूसरा काम उस पर आधारित होता है, वो हमारा मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ गया था। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यही था, ठीक है। अब लिखिए, देखिए अर्थ के आधार पर, ये तो मैंने थोड़ा फास्ट करवा दिया क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया था। अब हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, यानी कि वाक्यों का जो अर्थ होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, आठ भागों में। इसमें से फर्स्ट नंबर का होता है विधान वाक्य, निषेध वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें सबसे पहले जो होता है विधान वाक्य। अब विधान वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का सामान्य रूप से प्रकट हो उन्हें हम विधान वाक्य कहते हैं। जहां पर वही जैसे साधारण वाक्य था वैसे के वैसे इसमें हो गया कि वह जिसके अंदर का सिंपल सेंटेंस हो गया, वह पढ़ता है, वह दीपिका खाती है, मैं खेलता हूँ, राधे खेलता है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस हो गया, वो हमारा विधेय वाक्य के अंतर्गत आता है। निषेध वाक्य का मतलब सब होता है, निषेध का मतलब होता है जहां पर किसी काम को करने की मनाई की जाती है, जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ आना निषेध है, निषेध मतलब रोक है, मनाई है यहाँ पर, यानी कि अगर सेंटेंस को पढ़ने पर आपको ये लगता है कि किसी चीज की मनाई हो रही है, नहीं शब्द आ रहा है उसमें, ना शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारा निषेध यानी रोक, जिसपे रोक की जाती है, वो हमारा निषेध वाक्य के अंतर्गत आता है। आप परिभाषा देख लीजिए एक बार, जिन वाक्यों से किसी कार्य को न होना प्रकट हो उन्हें निषेध वाक्य करना कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? निषेध का मतलब समझिए, निषेध का मतलब होता है कि नहीं शब्द आ गया तो आप समझ जाओ फौरन कि निषेध वाक्य हो गया। सेंटेंस में हमने पढ़ा मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया, अब नहीं शब्द आना क्या कहलाएगा? निषेध वाक्य। अनुज ने खाना निषेध वाक्य, तो ये हो गया हमारा नहीं शब्द का आना निषेध वाक्य कहलाता है। देखिए अगर आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं, केवल आपने शब्द जो आपके इसका हेडिंग है,
हेडिंग का यदि अर्थ समझ लिया तो आपको उसकी परिभाषा और वाक्यों में अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। विधान वाक्य में क्या होता है, किसी कार्य के करने या होने का सामान्य रूप से प्रकट होना, जहाँ सिंपल सेंटेंस हो गया वही हमारा विधान वाक्य हो गया। निषेध का मतलब रोक होता है, मनाही होती है, नहीं शब्द उसमें आता है तो वो हमारा निषेध वाक्य हो गया। अब है आज्ञावाचक, जिन सेंटेंस को वाक्य को पढ़कर आपको लगता है कि इसमें हमें आज्ञा और अनुमति या आदेश का बोध हो रहा है कि यहाँ पे कोई आदेश दिया जा रहा है, कोई किसी चीज की परमिशन दी जा रही है, किसी काम करने के लिए बताया जा रहा है, तो वो हमारा होता है आज्ञा। यानी आपको आज्ञा दी जा रही है किसी काम को करने की या अनुमति दी जा रही है, वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। क्लियर हो गया? यानी अगर हेडिंग आपको समझ में आ गया तो आप उसकी डिटेल अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं। जैसे आज्ञा, तुम स्कूल जाओ। अब जाने के लिए आपको कहा गया कि तुम स्कूल जाओ, यानी कि कोई आपको अनुमति दे रहा है। जहाँ पे अनुमति दी जा रही है वो हमारा, या जहाँ आज्ञा दी जा रही है वो हमारा हो जाता है आज्ञावाचक वाक्य। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रश्नवाचक। ये आप लिखूंगे बोर्ड पे, लिख दूं एक बार? यस मैम। चलिए लिखिए। अब लिखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसको थोड़ा सा अर्थ के मैम मैम मैं कॉपी में भी करना है ना? आप कॉपी में करना है, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ जिनके पास बुक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखिए आप, बेटा दिख तो रहे ना आपको विधान वाचक। यस मैम। विधान वाचक वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस हो गया। सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था अभी निषेध वाचक, यानी जहां पर किसी काम की रोक की जाती है, मनाई की जाती है, वो हमारा निषेध वाचक। थर्ड नंबर पर आया था हमारा आज्ञावाचक। यानी जहां पर किसी चीज की अनुमति दी जाती है या किसी काम को करने के लिए कहा जाता है वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य से हमें सिंपल सी बात पता चल रही है कि जहां सेंटेंस को पढ़कर आपको ये पता चलता है कि वहां कुछ आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, कितने बजे, ये सब पूछे जाएंगे, तो यानी कि क्या जो शब्द आएंगे तो वो हो जाता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य ये हमारा 7 नंबर का है। अब इच्छावाचक के अंतर्गत होता है कि जिन वाक्यों में किसी तरह की इच्छा या आशा या शुभकामना का बोध हो उसे हम जो है इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। सेंटेंस में जैसे ईश्वर, जब आप अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं तो भगवान, तो आपको जब आशीर्वाद मिलता है तो आपको तो भगवान आपको खुश रखे, या किसी का आप काम कर देते हैं तो अंदर से जो ब्लेसिंग्स निकलती है ना, और तो वो कि भगवान करे तुम फर्स्ट आओ, प्रथम आओ, तो इस तरह से जो वाक्य है कि इच्छा हो रही है, आपकी काम को देख करके हमारी इच्छा हुई कि आपको आशीर्वाद दें, काश मैं शिमला घूमने जाता, ये इच्छा जाहिर करिए। यहाँ पर किसी काम के होने का आपको जब होता है कि इच्छा मिलती है या उसकी शुभकामनाएं दी जाती है तो वो हमारा आता है इच्छावाचक के अंतर्गत। क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें संकेत वाचक। पहले लिखवा देती हूँ फिर समझा देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे धीरे लिखते हैं वो आराम से लिखते रहेंगे, मैं समझाती रहूंगी। संकेत वाचक वाक्य।
और सेवन नंबर पर हमारा कौन सा वाला वाक्य आता है? संदेह वाचक वाक्य। क्योंकि दोनों चीज साथ साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, एक बार लिख लो फिर मैं बता देती हूँ। और विस्मयवाचक वाक्य आता है हमारा, विस्मयवाचक वाक्य। फटाफट लिख लीजिए, आगे का मैं समझाती हूँ। मैंने लिख लिया, कंप्लीट हो गया सबका? यस मैम। थोड़ा सा पास ले लो बेटा। यस मैम। यस मैम। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन सा वाला आता है हमारा, हमने जो अभी पढ़ा कहाँ तक कर लिया था? इच्छावाचक के अंतर्गत, यानी आपको जहाँ इच्छा बताई जाती है वो इच्छावाचक, या शुभकामनाएं दी जाती है वो हमारा इच्छावाचक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा संदेहवाद, संकेतवाचक। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। एक जो काम हो रहा है वो काम दूसरी वाली क्रिया पर आधारित होता है। जैसे अगर बिजली होती तो मैं पढ़ता, या आप समय पर पहुंचते तो गाड़ी नहीं छूटती। ये आपका हो गया इसका एग्जाम्पल। यानी कि अगर एक काम पर दूसरी चीज जब आधारित रहती है तो वो हमारा होता है संकेत। यानी पहली बात का दूसरी बात का संकेत हमें पहली बात से मिल रहा है, वो हमारा संकेतवाचक होता है। और नेक्स्ट होता है हमारा संदेहवाचक। अब संदेहवाचक के अंतर्गत क्या आता है कि जिन वाक्य में कार्य के होने में संदेह का बोध होता है, मतलब गारंटी नहीं होती कि काम हो जाएगा, वहां पर जो आता है संदेहवाचक होता है। जैसे कि हो सकता है कि आज पिताजी आए, है ना, शायद आज बारिश हो, तो जहां पर आपको गारंटी नहीं होती किसी काम की वहां पर हमारा हो जाता है, नेक्स्ट कर चला दो, वो हो जाता है हमारा लास्ट वाला संदेहवाचक। फिर आ जाता है विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक और घृणा, आश्चर्य आदि की भावना जो पता चलता है सेंटेंस को पढ़कर, तो वो हमारा विस्मय। जैसे कि आपने विस्मय आदि बोधक चिन्ह पढ़े थे, विस्मय बोधक पढ़ा था ना, समुच्चय बोधक तो क्या हुआ था हमारा, जो किंतु, लेकिन और ये वाले शब्द आते हैं वो समुच्चय बोधक है। विस्मय वादी वो होते हैं जैसे किसी दुख को देख करके ओह शब्द निकलता है, खुशी के लिए अरे वाह शब्द निकलता है, तो वो हमारे हो जाते हैं विस्मयवाचक वाक्य। क्लियर हो गया? जिसमें हर्ष, शोक आपके सामने आते हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट है आपका, यानी संरचना के आधार पर हमारे जो सेंटेंस हुए थे वो तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और हमने जब अर्थ के आधार पर इसको किया था वाक्यों का वर्गीकरण, तो हमारे वाक्यों का वर्गीकरण हुआ था आठ प्रकार से, आठ तरह से, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर पे विधानवाचक, सेकंड नंबर पे क्या था, क्या निषेधवाचक, निषेधवाचक यानी किसी काम की रोक होती है। फिर थर्ड नंबर पे पढ़ा था हमने आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, हाँ। फिर हमने पढ़ा था संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, हाँ सॉरी प्रश्नवाचक, फिर संदेहवाचक, हाँ, और फिर लास्ट में संकेतवाचक, संकेतवाचक, और लास्ट में हमारा विस्मय संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक। एक तो संदेहवाचक और संकेतवाचक हो गया, और लास्ट में हमारा क्या था, विस्मय वाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं हम लोग, क्वेश्चंस में देख, हाँ बोलिए मैम, इसी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेना। हाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अभी, एक बार मुझे देखते हैं इसमें दे रखा है क्या। हाँ ये भी चला गया सिस्टम, बड़े बड़े हैं। चलिए इसमें ऐसे ही करवाती हूँ मैं।
इसमें जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देखिए सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें आपको क्या करना है, आप देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना और जो हमने पढ़ा है उसको जब ध्यान रखेंगे तो आंसर हम कर पाएंगे। भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सही बात है? यस मैम, सही है। सही बात है ना? yes, क्योंकि हम अपने भावों को, हमने जो पढ़ा था कि भावों और विचारों को प्रकट हम वाक्य के द्वारा ही करते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधान वाचक कहते हैं। सही बात गलत है। क्योंकि हमने वो पढ़ा था उद्देश्य और विधेय, यानी जिस बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है। मैं वो तो अलग ही थी। हाँ, वो उद्देश्य होता है और यहाँ पे पूछा है कि विधान होता है क्या, तो ये गलत सेंटेंस है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सही है मैम, सही। रचना के आधार पर सही है। क्योंकि हमने पढ़ा था रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर आठ भेद होते हैं। फिर हमारा था जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाए, मैम गलत है। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाए उन्हें विस्मयादि वाचक कहते हैं। गलत है कि नहीं है? यस मैम, गलत है। गलत है, गलत है। हाँ, लास्ट देखिए, जिन वाक्यों से किसी कार्य का न होना प्रकट होने निषेध वाचक कहा जाता है। मैम सही है, मैम सही है, क्योंकि शब्द आ गया। आगे यहाँ तक क्लियर हो गया? आप देखिए इसी में पेज नंबर 120 पर ही हमारा नीचे है, निम्न वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलिए। निर्देश अनुसार का मतलब होता है जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हुए होते हैं, जो निर्देश दिए गए होते हैं उनको फॉलो करते हुए उसका आंसर करना है। कल दिल्ली जाएगा, ये निषेध वाचक वाक्य में अगर बनाना है तो कैसे होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कल दिल्ली नहीं जाएगा। मैं कल दिल्ली नहीं जाएगा। आगे समझ में? यस मैम, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है हमारा तुम कल आए। अब इसको विस्मयादि बोधक में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अरे तुम कब आए। हाँ, अरे तुम कब आए, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा अजय खाना खाते ही सो गया। अब इसको मिश्र वाक्य में बनाएंगे। मिश्र वाक्य ध्यान है ना, हमको एक दूसरे पर आधारित होते हैं। अजय खाना खाते ही सो गया। अजय ने खाना खाया और सो गया। हाँ, अजय ने खाना खाया और सो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा शायद वह आज आए। अब इसको हमको इच्छावाचक में कैसे बनेगा? शायद वह आज आए, शायद वह आज आ सकता है, शायद वह नहीं, तो संदेहवाचक हो गया। संदेहवाचक हो जाएगा बेटा वो, तो फिर इच्छावाचक में काश वह आज आ जाए, काश वह आज आ जाए। यहाँ पर हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। घोड़ा तेज नहीं दौड़ता विधानवाचक में, मैम घोड़ा तेज दौड़ता है। हाँ मैम, हाँ बोलिए मैम। अगर मैम यहाँ पे काश लगाएंगे तो मैम ये तो विस्मयादि बोधक वाक्य बन जाएगा। देखो एक सेकंड, देखो काश लगाएंगे इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं लगाना, लेकिन आपको यस मैम चिन्ह मत लगाओ। चिन्ह अगर लगा दोगे तो विस्मयादि बोधक बन जाएगा, चिन्ह लेकर काश वे आ जाए तो वो आपका सिंपल इच्छावाचक चिन्ह बन जाएगा। मैम हाँ बोले, अगर ये सब तो मैम विस्मयादि बोधक वाक्य का ही है। देखो इसका सेंटेंस यू भी कर सकते हो, वह शायद वह आज आए, शायद वह शायद आ जाए। अगर हम काश को बीच में ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वह शायद आज आए, वह आज आएगा या वह आज आ सकता है। यस मैम, ये सही रहेगा मैम, वह आज आ सकता है। हाँ वह आज आ सकता है, नहीं आज नहीं में नहीं होगा बेटा, वह आज शायद वह आज आए। यस मैम, ये भी सही है। मैम इसमें काश ही रहेगा क्योंकि इसके एग्जांपल में भी काश लिखा हुआ है। एग्जांपल में काश का लिखा हुआ है मैम, अगर फिर मैम काश नहीं आएगा तो बोधक वाक्य बन जाएगा। एक सेकंड, मैम इच्छा वाचक के एग्जांपल्स में भी लिखा हुआ है एक वाक्य, इच्छा वाचक में जैसे
काश शब्द इसमें नहीं आएगा बेटा, देखो इसमें इसे इच्छावाचक में काश ही आएगा, काश वह आ जाए। और वो जो शब्द होते हैं विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक में कौन कौन से चिन्ह आते हैं, अरे वाह ओ आ वो वाले शब्द आएंगे। तो काश ठीक ही तो लिखा है, काश नहीं लगेगा, काश वह आज आए यही होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगेगा, हाँ ठीक है ना, डायरेक्ट बस वो लिख जाएगा काश वह आ जाए, इच्छावाचक बन जाएगा। हाँ ठीक है, आगे देखिए, घोड़ा तेज दौड़ नहीं दौड़ता। अब इसमें से निषेध वाचक है ये, और इसको हमको साधारण मतलब विधान वाचक बनाना है। तो क्या चीज है इसमें से, घोड़ा दौड़ता है, हाँ घोड़ा तेज दौड़ता है, नहीं शब्द अपना इसका हट जाएगा। तुम कल आगरा जाओगे, यहाँ पे अब प्रश्नवाचक बनाना है। तो तुम आगरा कब जाओगे, तुम आगरा कब जाओगे, ठीक है। हाँ आप देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। अब इसमें आपको भेद बताना है, बिल्ली आई और दूध पीकर के चली गई, तो ये किस कौन सा वाक्य है, यानी दो चीज, पहली चीज पर दूसरी चीज आधारित हो रही है। पहले कौन है, पहले दूध पिया या पहले बिल्ली आई, पहले बिल्ली आई, पहले बिल्ली आई ना, तो पिल्ली बिल्ली आई, यानी दो चीज एक दूसरे पर आश्रित होती है। तो कौन सा वाक्य होता है हमारा, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, नहीं शब्द आ गया तो कौन सा वाक्य, निषेध वाक्य, निषेध वाक्य। करण ने पाठ याद किया, विधान वाचक, सिंपल सेंटेंस है, करण ने याद किया, तो ये हो जाएगा हमारा विधान वाचक। उफ आज कितनी गर्मी है, महेश ने गेंद ली और गेंदबाजी करने लगा। पहले दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, पहले उसने क्या ली, गेंद ली, और फिर वो गेंदबाजी करने लगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा गया है, और किससे जोड़ा गया है, समुच्चय बोधक से। और यहाँ पे समुच्चय बोधक क्या है, संयुक्त वाक्य ना बेटा, मैंने पूछा और शब्द। समुच्चय बोधक क्या है, जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य, वो समुच्चय बोधक। यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, संयुक्त वाक्य, यानी दो सेंटेंस अलग अलग, अगर उनको बीच में से अगर और शब्दों का अगर निकाल दिया जाएगा तो ये विधानवाचक वाक्य बन जाएगा, यानी साधारण वाक्य बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस। पहला सेंटेंस बन जाएगा महेश ने गेंद ली, खत्म। फिर उसके बाद में दूसरा सेंटेंस बन गया गेंद और वह गेंदबाजी करने लगा। तो और शब्द से जब जोड़ा गया तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। क्लियर हो गया, यस मैम। देखो कौन सा है, जिसमें आदि बोधक है, थर्ड का ख बता दो, थर्ड का ख, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। अब नहीं शब्द के लिए कौन सा वाक्य होता है, निषेध वाक्य, निषेध वाक्य आ गया, ठीक है, यस मैम। हाँ आप देखिए, फोर्थ नंबर का, निम्न वाक्यों में से साधारण संयुक्त मिश्रित वाक्य छांटिए और उनके नाम लिखिए। यानी आपको इसमें से कौन कौन से बना दें, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण में जहाँ सेंटेंस को पढ़ के सिंपल काम होता है, संयुक्त वाक्य में जहाँ संयुक्त समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है, और मिश्रित वाक्य में होता है कि जहाँ एक दूसरे पर, एक काम दूसरे पर आधारित होता है, वो हो जाएगा हमारा मिश्रित वाक्य। अब देखिए, इसमें पहला सेंटेंस है, वह वहां यहाँ आकर चला गया। सिंपल सी बात है कि वह यहाँ आया और चला गया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, साधारण वाक्य। मुझे अपना पेन दो,
ये भी सिंपल सी बात है। यस मैम। वह पेड़ से गिरा और मर गया, कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य। सभी जानते हैं कि ईमानदारी अच्छा गुण है। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य कैसे? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। सभी दार्शनिकों का विचार है कि आत्मा अमर है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? साधारण वाक्य। साधारण। चलिए ठीक है, अब आगे ये चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्वयं को ही करना है। शब्द दिए गए हैं, तालिकाओं से भरिए। पीछे का जो आपके वर्ड्स हैं वो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट वो भेज दूंगी, पिक भेज दूंगी, वो आप कंप्लीट कर लेना। टाइम है अभी अपने पास? नो मैम। नहीं है ना? हाँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आपका ये जो एक